जी मेयर साहब और कमिश्नर साहब, आप दोनों से गुजारिश है सर कि पत्थरगट्टी एरिया में जो तेलंगाना की शान आन है, चार मीनार के दामन में साल कचरे का अंबार रहता, सब आठ आठ दिन होते कचरे की लिफ्टिंग नहीं होती। और मेरे एरिया में साहब मिरालम मंडी वेजिटेबल एक बड़ी मार्केट है, आठ आठ दिन हो जाते साहब वहां से कचरा नहीं उठाया जाता। सब एमएच को बोलते हैं, हम बात करते हैं, सुपरवाइजर से बात करते हैं, चार दिन पांच दिन आठ दिन में एक मर्तबा लेके जाते कचरे का अंबार को। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा पूरे आसपास के एरिया में, जहां एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहां पर, मक्का मस्जिद है वहां पर सालाजंग म्यूजियम है, सिटी सिविल कोर्ट है वहां पर, बड़े बड़े चीज वहां पर मौजूद है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वहां पर, ऑफिस है, मगर कचरे का इतना बड़ा अंबार रहता सर। हर जगह वीआईपी आते हैं, मगर हम क्या हम यहाँ से वीआईपी आके लेके जाएंगे सब? यहाँ से टूरिस्ट वहां पर आते साहब, सबसे ज्यादा टूरिस्ट हैदराबाद में चार मीनार देखने, सालाजंग म्यूजियम देखने के लिए आते, मगर साहब वहां पर कचरे का बड़ा अंबार रहता। मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ साहब, ये कचरे की वजह से साहब मेरे पत्थरगट्टी एरिया में 6 से 7 मौत हो गए साहब, उसका कौन जिम्मेदार है साहब? गरीब लोग है, दवाखाने में बास ऐसे लोग हैं जिसको बिल देने के लिए पैसे नहीं है, मगर कोशिश करके बिल देते हैं, मगर उनका बच्चा मर जाता साहब, 6 से 7 हो गया। मैं अपने क्वेश्चन में भी लिखा साहब, मैं 6 से 7 मौत हो गई, मगर जीएचएमसी का कोई एक अहदेदार या मेयर को इतनी तौफीक नहीं हुई, ना कोई अहदेदार को या कमिश्नर हमारे मोहतरम यहाँ बैठे हुए, मगर कोई एक आदमी किसी के घर पर जाके पुरसा देने के लिए तैयार नहीं है कि 6 से 7 लोग मर चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ साहब, ये कचरे के अंबार को आप जल्द से जल्द इसके ऊपर एक काम वर्क करिए और ज्यादा से ज्यादा लेबर को बढ़ाइए साहब, स्वीपिंग नहीं होती, आठ आठ दिन हो जाते साहब एक एक एरिया में स्वीपिंग नहीं होती साहब। मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ सर, प्लीज इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। उठ जाते, एक मिनट ठहरिए जरा साहब, मेरे साहब मेरा क्वेश्चन था रोड वाइंडिंग पे सर। सर आज से तीन चार साल पहले मोर देन 50% चेक्स इशू कर दिए हैं गुलजार रोड से लेके काली कमान और उससे आगे तक साहब, और अभी तक वो काम मुकम्मल नहीं करे साहब। रोड वाइंडिंग की वजह से वहां पर ट्रैफिक का मसला हो रहा, आप मोर देन 60% जब चेक इशू कर चुके हैं तो उसके बाकी का जो अमाउंट है दीजिए, और प्रॉपर्टीज जो है वो इक्वायर करके आप रोड वाइंडिंग का काम करिए सर। और लास्ट स्टैंडिंग कमेटी में हम आपको एक प्रपोजल दिए थे साहब, छत्ता बाजार का, छत्ता बाजार से लेके अमेजोन होटल तक साहब चौरस्ते तक, मगर वो काम अभी तक नहीं हुआ। अकबरुद्दीन अवैसी साहब का मैं एक लेटर भी दिया था कमिश्नर साहब को आपके जरिए साहब स्टैंडिंग कमेटी में, पर वो काम अभी तक नहीं हुआ साहब। ओल्ड सिटी के अंदर रोड वाइंडिंग का काम आप लोग क्यों नहीं कर रहे साहब, क्यों डेवलपमेंट नहीं लाना चाह रहे? पिछले 2 साल से ये बात हो रही है मगर काम नहीं करे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सर और कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ साहब कि गुलजार रोड से काली कमान के आगे तक वो रोड वाइंडिंग का काम जो पेंडिंग है वो इमीडिएट करिए, और जो छत्ता बाजार का काम है साहब उससे कमिश्नर साहब से मेरे साहब से गुजारिश करो वो काम को भी स्टार्ट करिए सर।